अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तुलबा, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 5 के असबाक में से एक्सरसाइज 4 यूनिट 4 की वो टॉपिक है डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय डेसिमल्स, कि डेसिमल्स को डिवाइड करने का क्या तरीका है। 2.92 डिवाइडेड बाय 1.6। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है 2.92 डिवाइडेड बाय 1.6। तो इसमें सबसे पहले हमने इन डेसिमल्स को यानी डेसिमल फ्रैक्शंस को कॉमन फ्रैक्शंस में तब्दील करना है। डेसिमल के बाद दो डिजिट हैं, डेसिमल की जगह 1 और 2 जीरो डिवाइडेड बाय ये 1.6 है, ये बन जाएगा 16/10। अब आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, 292/100 मल्टीप्लाई 10/16। अब इसको जीरो को इस जीरो से क्रॉस करेंगे, यानी असल में ये 10 के टेबल पे दोनों 10 वन्स आर 10, 10 टेन्स आर 100, या जीरो जीरो से क्रॉस होगा। उसके बाद ये 16 है, ये है 292, इसी आखिरी दो डिजिट हैं, 4 पे डिवाइडर है, ये भी 4 पे, दोनों इवन नंबर्स हैं, 2 पे तो होते हैं 4 पे भी हो रहे हैं। देखिए 4 4s आर 16, इसको जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4 7s आर 28, बाकी 1 4 3s, आंसर आ गया हमारा 73/4 मल्टीप्लाई 10 40 इसको हम सिंपल डिवाइड करेंगे 73 को 40 में 41 आर 40, माइनस करेंगे 33 आ रहा है, डेसिमल लगाएंगे यहाँ जीरो। अब हम 40 को 40 का पहला डिजिट है 4, 4 8s आर 32 होता है, 4 9s आर 36, तो 30 यानी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 320, 8 को 40 से जीरो 10 बाकी आ गए। अब हम ये हमारे पास 10 है, डेसिमल लगा हुआ है, एक जीरो और लगे 42s आर 80, अब माइनस करेंगे बाकी बचेगा हमारे पास 20, डेसिमल लगा हुआ है जीरो लगाएंगे 45s आर 200, कंप्लीट डिवाइड हो गया, आंसर आ गया 1.825। ये है डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय डेसिमल्स। इसके कुछ और सवाल करेंगे वजाहत से, ताकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय डेसिमल्स, 7.7 डिवाइडेड बाय 3.5, 7.7 डिवाइडेड बाय 3.5 बी पार्ट, इसमें भी डेसिमल को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये 3.5 है, ये बन गया 35/10, 77/10, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, 10 से क्रॉस हो गया, तो हमारे पास जो बाकी नंबर्स बचे हैं वह 77.77 मल्टीप्लाई 1, 77/35। अब ये तो 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ये 7 और 11 पे डिवाइड होते हैं, मजीद डिवाइड नहीं हो सकते। अब इनको आप डिवाइड कर दें 35 को 77 को 35 में, 35 2s आर 70, माइनस करेंगे 7, डेसिमल लगाएंगे यहाँ 0, 35 2s आर 70, ये भी कंप्लीट डिवाइड हो गया, जवाब आया 2.2। ये हमारा पार्ट ए और बी, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4। इसके बाद कुछ और सवाल करेंगे, इसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सी सारे इम्पोर्टेंट है, 4.37 है नंबर डिवाइडेड बाय 1.9। तो 4.37 डिवाइडेड बाय 1.9 सी पार्ट है, जब इसको
पहले इसको कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, डिवीजन 1.919/10। अब इसको चेंज करेंगे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में, 10/19। अब 10 का जीरो इस जीरो के साथ क्रॉस, अब ये 19 प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम लग रहा है, 19 टूज आर 38, 5, 19 थ्रीज आर 57, ये डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर 19 पर, 19 वन आर 19, 19 टूज आर 38, बाकी बचेगा 5, ये बन गए 57, 19 थ्रीज आर 57, तो हमारे पास आ गया 23/10। 23 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे जवाब आएगा 2.3, सिंपल हो गया क्वेश्चन। इसके बाद 23 को 10 पे डिवाइड करेंगे 2.3 आंसर आएगा। लॉन्ग डिवीजन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अभी हम इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय 10, 100 and 1000 के हवाले से पढ़ चुके हैं इससे पिछले से पिछले लेसन में। तो अब हम देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स और कर लेते हैं। 3.68 डिवाइडेड बाय 4, 0.4, ये आसान सवाल है, ये करते हैं। 6. डी पार्ट है 6.24 डिवाइडेड बाय 7.8, 6.24 डिवाइडेड बाय 7.8, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले इसको डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन में चेंज करते हैं, डिवीजन प्रोसेस 7.8 बन जाएगा 78/10। अब इसको 624 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 10/78, ये 10 का 0 100 के एक जीरो से क्रॉस हो गए, यानी 10 पे डिवाइड हो गए दोनों। अब ये देखते हैं ये दोनों इवन नंबर्स हैं, दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं और 4 पे ये डिवाइड हो रहा है, ये नहीं होता। 4 वन और 4 आगे आएगा 36 आता है या 40 आता है 4 के डिवीजन, तो इसको दोनों को हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 2 3 2 1 312, और इसको जब 2 पे डिवाइड करें 2 3 6 39 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 312/390 आ रहे हैं हमारे पास। ये मजीद 2 पे डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करें 390 बन गए। अब फिर इन दोनों को 2 पे डिवाइड करें, सिंपल हो गया। 2 1 2 1 2 5 10 2 6 12, 390 को 2 पे करेंगे 2 1 2 2 9 18, 2 5 10, आंसर आ गया 156/190। तो ये मजीद किसी 156/195, तो ये मजीद डिवाइड नहीं हो रहा, अब इनको डिवाइड कर दें। 156 को हमने 195 से करने डिवाइड। अब शुरू में ये स्मॉलर है, यहाँ जीरो लगाएंगे और क्वेश्चन प्लेस पर डेसिमल को वाजे करने के लिए जीरो। अब 195 तकरीबन ये 200 के राउंड अबाउट है, 200 के करीब है, तो ये है 1560। तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से करेंगे तो 8 से भी करके देखते हैं शायद कंप्लीट हो जाए। 8 5 are 40, 4 carry, 8 9 are 72 plus 4 76, 8 1 are 8 plus 7 15, 8 पर ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, जवाब आ गया है 0.8, ये इसका आंसर है पार्ट्स बी का। तो इसी तरह एक और पार्ट भी करते हैं इसी सवाल का, क्वेश्चन नंबर 3, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय डेसिमल्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आखिरी पार्ट कर लेते हैं। 9.24 डिवाइडेड बाय 1.1, 9.24 डिवाइडेड बाय 1.1,
ये इसमें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि इनको पहले हमने कॉमन फ्रैक्शन में चेंज किए 924/100 डिवाइडेड बाय 11/10। अगले स्टेप में इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे 10/11। अगर 10 का जीरो इसके साथ कट गया, 11 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 आ गया। लेकिन ये दोनों इवन नंबर्स हैं, ये दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं मजीद, 2 5s are 10। इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 4s are 8, 1 इधर आ गया 12, 2 6s are 12, 2 2s are 462/5 × 11 = 55। इसको सिंपल हम डिवाइड करेंगे, यहीं पे करते हैं 462 को 55 से, ये दो डिजिट हैं, पहले दो डिजिट 46 हैं, इससे बड़े हैं, तीसरा भी मिलाएं 462, ये है 55, 55 तकरीबन 60 के करीब तरीन है, 50 के भी करीब है, तो ये है 462, तो 6 5s are 36, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 7 या 8 से करके देखते हैं 55 को, 7 5s are 35, 7 5s are 38, 385, अच्छा जी 8 से करते हैं, 8 5s are 40, 8 5 is 440, 8 से करते हैं 8 440, माइनस करेंगे 2 इधर 2, डेसिमल लगाएंगे इधर 0, 55 को 4 से करेंगे 220, कंप्लीट डिवाइड हो गया, जवाब आ गया है 8.4। ये आखिरी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन 3 का। तो इस तरह डिवीजन के प्रोसेस को अच्छी तरह समझने के लिए इन सवालों को बार बार करें, और इसमें आपको टेबल्स आपको अच्छी तरह आने चाहिए, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस बार बार चलना है। जी पार्ट भी करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, 16.1 डिवाइडेड बाय 4.6, इसको भी इसको हम डिवाइड करते हैं, पहले इसको चेंज करते हैं, 16 161 बन जाएगा, नीचे 10 डिवाइडेड बाय 4.6 है, ये बन जाएगा 46/10। अब इसको चेंज करें 10/46, ये 10 1s are 10, 10 1s are 10, 161/46, ये ऑड नंबर है वो इवन है, ये ना ये 3 भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी नहीं होगा, तो 161/46 है 50 के करीब, तो ये है 16, 5 3s are 15, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6s are 18, 1 3 4s are 12 + 1 13, माइनस करें 1 कैरी 11 में से 8 3 5 is 3 2 23 आ रहा है, इसके साथ डेसिमल 0। अब हम 46 को 4 5s are 20, 5 से कर लेते हैं, 5 6s are 30, 3 कैरी, 5 4s are 20 + 3 23, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया 3.5, आंसर आ गया 3.5। तो ये आज का हमारा लेसन, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय डेसिमल्स, इसको हमने बहुत वजाहत से पढ़ा है।